हाय एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही से होंगे। आज इसके वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि ईवीएम मशीन क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसका इस्तेमाल कब से किया गया। ईवीएम मशीन जिसका उपयोग हम लोग 1982 से करते हुए आ रहे हैं, पहली मरतबा 1982 ईस्वी को केरल में इसका इस्तेमाल किया गया था। अब बात करते हैं ईवीएम मशीन किसको बोला जाता है। ईवीएम मशीन दो यूनिट से मिलकर बना होता है, पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा वैलेटिंग यूनिट। वैलेटिंग यूनिट जिसके ऊपर प्रत्याशी का नाम, उसका छाप और उसका क्रम संख्या लिखा होता है, जिसके आगे में नीला बटन होता है जिसको दबा करके हम वोट देते हैं, उसको वैलेटिंग यूनिट बोला जाता है, जिसको यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। एक वैलेटिंग यूनिट से हम 15 सहित एक नोटा यानी कि 16 प्रत्याशी का एक मरतबा में वोटिंग करवा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं नोटा क्या होता है। नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एवर, यानी कि ऊपर में दिए गए जितने भी हमारे उम्मीदवार उसमें से किसी को हम वोट नहीं दे, अगर वो आप बटन दबा दिए तो आप किसी भी ऊपर वाले को वोट आप नहीं दे सकते हैं। वोटिंग वैलेटिंग यूनिट जो होता है एक मरतबा में मैक्सिमम 16, अगर मान लेते हैं किसी भी क्षेत्र विशेष क्षेत्र में हो सकता है 16 से ज़्यादा यानी 15 से ज़्यादा भी खड़ा हो सकता है, उसके लिए एक कंट्रोल यूनिट से 4 वैलेटिंग यूनिट को जोड़ा जा सकता है, यानी कि एक मरतबा में 64 यानी कि 64, एक मरतबा में 64 वैलेटिंग 64 प्रत्याशी का वोटिंग कराया जा सकता है। वैलेटिंग यूनिट दो तरह के होते हैं, एक M2 EVM होता है, एक EVM जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक M2 एक M3। M2 जो था वो 2006 से 2010 के बीच में बना था और M3 जो था वो 2013 के बाद बना था। M3 का जो कैपेसिटी होती है वो 324 प्रत्याशी को यानी कि 24 वैलेटिंग यूनिट को आपस में जोड़ सकते हैं, यानी एक मरतबा में 24 वैलेटिंग यूनिट यानी कि 324 प्रत्याशी का वोटिंग हम करा सकते हैं। कंट्रोल यूनिट निर्वाचन अधिकारी के पास होता है, निर्वाचन अधिकारी इसे मत जारी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर निर्वाचन अधिकारी एक मरतबा में सिर्फ एक मत जारी कर सकते हैं जो वोटर मत गिराने में उपयोग कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप वोटिंग करने गए, वहां पर आप देखिएगा कि वहां पे जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं वहां पे कंट्रोल यूनिट उनके हाथ में होता है, वहां पे एक बटन टिपेंगे, ठीक, उसके बाद आप अंदर जाएंगे, फिर वहां पे अपना वोटिंग गिराएंगे, उसके बाद एक बीप सा आवाज़ निकलता है जो ये साबित करता है कि आपने वोट गिरा दिया, फिर आपको बोला जाएगा बाहर निकलने के लिए। वहां पे जो कुछ चालाक बंदे होते हैं वो दो तीन मरतबा बटन को दबा देते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो वैलेटिंग यूनिट जो होता है एक मरतबा में एक ही वोट गिरा सकता है। अगर 50 मरतबा अगर आप उसको दबा दें उसके बटन को, ठीक है, तो भी उसके ऊपर फ़र्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। इसी तरह वैलेट कंट्रोल यूनिट जो निर्वाचन अधिकारी के पास होता है वो फिर अगला मत जारी करेगा, फिर दूसरा वोटर आएगा, फिर दूसरा वोट देगा, ठीक है, इसी तरह फिर प्रक्रिया चालू रहती है। वो जो कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट के अंदर एक माइक्रो मेमोरी कार्ड लगा होता है जिस जो हमारे वोटों को हम जो वोट करते हैं उसको स्टोर करने का काम करता है, ताकि उसकी गणना आगे आके विजय या पराजय के लिए किया जा सके क्या जा सके। जो कंट्रोल यूनिट होता है उसमें मैक्सिमम 2000 यानी कि मैक्सिमम 2000 वोट ही हम डाल सकते हैं, यानी कि एक ईवीएम मशीन से मैक्सिमम 2000 वोट गिरा सकते हैं। अगर हमारी आबादी या हमारी वोटरों की संख्या 2000 से ज़्यादा है तो उसके लिए हमको एक से ज़्यादा वोटिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। ईवीएम मशीन चलता कैसे है, यानी कि ये किस चीज़ से चलता है, तो ईवीएम मशीन जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती होगी, चाहे वो बैटरी सप्लाई करे चाहे करंट सप्लाई करे, ठीक, यानी कि ईवीएम मशीन जो होती है वो एक बैटरी यानी एक सॉफ्ट बैटरी होती है, वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी लेकर के चलती है। ईवीएम मशीन अगर मान लिया कि बीच में वोटिंग करते करते ख़राब हो गया, तो हमारा कंट्रोल यूनिट जितना हमने वोट गिरा चुके हैं वह तब तक स्टोर रहेगा हमारे कंट्रोल यूनिट में जब तक हम उसको डिलीट ना करें, यानी कि वो सेफ रहेगा। ये ईवीएम मशीन की जगह दूसरा ईवीएम मशीन ला करके मत को जारी रखा जा सकता है। ईवीएम मशीन का एक और उपकरण VVPAT होता है, जिसका पूरा नाम वोटर वेरीफाइबल ऑडिट ट्रेल होता है। यह मान लीजिए ये एक प्रिंटर की तरह होता है, यह क्या करता है कि वोटरों को एक संतुष्टि दिलाने में मदद करता है। जैसे कि मान लिया कि आप वोट देने गए और मान लिया कि आपने BJP को वोट दिया,
आपको आपको कैसे मालूम पड़ेगा जो हमने बटन दबाया है वो बीजेपी का ही दबा है, क्योंकि उसके ऊपर हो सकता है छिड़कानी किया जा सकता हो। इसीलिए बाजू में एक प्रिंटर वीवीपीएटी जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रिंटर पे आपका क्या आएगा 7 सेकंड के लिए वो स्लिप, यानी कि आपने अगर बीजेपी को दिया है तो वो कमल छाप, यानी कि वो एक पारदर्शी ये होता है स्क्रीन होता है, उसके अंदर 7 सेकंड के लिए आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद वो स्लिप उसके अंदर गिर जाएगा, जिसको वीवीपीएटी स्लिप कहा जाता है। जो वीवीपीएटी स्लिप का उपयोग मतगणना जैसे विधानसभा, लोकसभा और जो भी हाई लेवल इलेक्शन होते हैं उसमें वीवीपीएटी का जो स्लिप होता है और जो हमारे कंट्रोल यूनिट में जितना वोट स्टोर होता है, दोनों का मिलान करके चुनाव का नतीजा निर्गत किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि इसके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पहले बैलेट पेपर पे जो होता था उसमें बहुत ज़्यादा ही धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता था, तो इस तरह ईसीआई के अनुसार यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार इसके अंदर कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर सकता। उन्होंने तर्क ये दिया कि ना ये कोई नेटवर्क से चालू है, ना इसके अंदर कोई इंटरनेट है, ये बस एक अलग थलग एक यंत्र है जिसके सहायता से हम क्या करते हैं, वोटिंग गिराते हैं। जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के साथ जिस तरह से हम नहीं कर सकते हैं उसी तरह बोला जा रहा है इसके साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हर कोई चीज़ 100% नहीं होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ खामियां जरूर होती है। ईवीएम मशीन इंजीनियर के द्वारा बनाया जाता है। हो सकता है कि कोई विशेष पार्टी उसके साथ समझौता करके उसके अंदर कुछ गड़बड़ी कर दे, इसीलिए ईसीआई द्वारा सबसे पहले उसका चेकिंग किया जाता है। जैसे ईसीआई के जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं या उप निर्वाचन अधिकारी होते हैं उसके बैठक में उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद उसको बूथ पर भेजा जाता है। बूथ पर आने से पहले, बूथ पर वोट गिराने से पहले उसका एक ट्रायल किया जाता है। ट्रायल में जो भी प्रत्याशी है उसको एक जगह जमा कराया जाता है, उसको पूरी तरह संतुष्टि कराया जाता है कि जो ये ईवीएम मशीन है किसी तरह से इसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है, जिसके लिए 50 फेक वोट गिरवाया जाता है जो एक ट्रायल के रूप में माना जाता है। उसके बाद उसका जितना भी वोट गिराया उसको पूरा क्लियर करके फिर नए सिरे से वोट लेना स्टार्ट कराया जाता है। जब मतदान पूरा हो चुका होता है यानी कि हर वोटर अपना वोट गिरा चुका होता है, तो कंट्रोल यूनिट यानी कि ईवीएम मशीन का जो कंट्रोल यूनिट पार्ट होता है उसको बंद करके उसके ऊपर सील लगा दिया जाता है, फिर उसको निर्वाचन अधिकारी के पास भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हो सकता है कि पहले आपका धोखाधड़ी ना हो, ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी ना हो, लेकिन रास्ते में तो कोई चेंज कर सकता है, तो इसका सोल्यूशन ये है। क्योंकि इसमें पहले क्या करता है कि जिस बूथ पर जो ईवीएम मशीन है उसका एक यूनिक कोड होता है, और उस यूनिक कोड को हर प्रत्याशी के पास भेज दिया जाता है, जिससे उसको ये संतुष्टि मिलती है कि उसका अगर चेंज अगर हो जाएगा तो वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। इस तरह धोखेधड़ी का जो भी मामला है वो पूरा नहीं हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको किस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए ताकि हम इसके ऊपर मेहनत कर सकें। चलिए जब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं।